बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवर टुडेज टॉपिक इज विंड एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज विंड। विंड मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। It is very simple. Moving air is called wind. यानी चलती हुई हवा को हम wind बोलते हैं. The wind possessed by wind is due to its speed. यानी wind में जो energy होती है वो इसमें इसकी speed की वजह से होती है और motion या हरकत की वजह से. यानी जब ये wind जब हरकत करती है, जब ये चलती है तो इसमें एनर्जी पैदा हो जाती है। सो द विंड पॉजिसिस काइनेटिक एनर्जी। लिहाजा ये विंड जो है इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। इट इज दिस काइनेटिक एनर्जी विच इज यूटिलाइज्ड फॉर डूइंग वर्क। यानी इसमें जो ये काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है या होती है, इसी को हम काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोलर एनर्जी और सनस एनर्जी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लोइंग ऑफ द विंड। यानी सोलर एनर्जी को हम सनस एनर्जी भी बोलते हैं। ये विंड को ब्लो फॉर द ब्लोइंग ऑफ विंड इट इज रेस्पॉन्सिबल। यानी विंड जो ब्लो करती है, जो विंड जो चलती है, ये सूरज की एनर्जी से चलती है। Wind blows due to uneven heating of earth by the sun's energy in different regions. आपको पता है कि सूरज की रोशनी जो है इससे जमीन गर्म हो जाती है, लेकिन अलग अलग खिते जो है ये बराबर गर्म नहीं हो जाते हैं। कहीं पे ज्यादा गर्मी पड़ती है, कहीं पे कम गर्मी पड़ती है। इस तरह जमीन जो है कहीं पे हवा ज्यादा गर्म हो जाती है और कहीं पर ठंडी रह जाती है। तो दिस इज द कॉज ऑफ द ब्लोइंग ऑफ विंड। सो विंड एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन इन एन इनडायरेक्ट वे। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि विंड एनर्जी जो है ये इनडायरेक्टली तौर पर सूरज से ही आती है। द एनर्जी ऑफ विंड इज हार्नेस्ड बाई यूजिंग ए विंड मिल। यानी विंड की जो एनर्जी है इसको हम हार्नेस करते हैं विंड मिल इस्तेमाल करके। यानी जब हम विंड मिल इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह विंड एनर्जी हार्नेस होती है या इस्तेमाल होती है। ए विंड मिल कंसिस्ट ऑफ ए बिग साइज टेबल फैन लाइक ब्लेड्स विच आर फिक्स्ड ओवर द टॉप ऑफ द टॉल पोल इन सच ए वे दैट दे आर फ्री टू रोटेट। ये विंड मिल जो है इसमें एक बड़ी साइज की एक पंखा होती है, तो जो इसके टॉप पर यानी पोल के टॉप पर जिसमें मतलब ब्लेड्स लगे होते हैं उस पर फिक्स होती है इन सच ए वे दैट दे आर फ्री टू रोटेट। यानी वो इस तरह उस पर फिक्स होती है कि वो आसानी से रोटेट करती है या गर्दिश करती है। When the fast moving wind strikes on the blades of the wind, यानी जब तेज चलती हुई आंधी जब इस ब्लेड के इन फैन के इन ब्लेड्स के साथ टकराती है, it makes them rotate continuously. इससे वो फैन जो है वो कंटिन्यूसली गर्दिश करती है, चलती है। The rotating motion of the windmill is then used to do mechanical work through a shaft connected to the rotating blades. यानी ये rotating motion of windmill जो है ये फिर इस्तेमाल होती है mechanical काम करने के लिए through a shaft यानी connected to the rotating blades. ये rotating blade जो होते हैं इसके साथ एक shaft जुड़ा होता है, तो इस तरह वो mill फिर काम करती है, चलती है। पुराने जमाने में विंड एनर्जी जो होती है ये इस्तेमाल हम करते थे पानी को पंप करने के लिए या पानी लिफ्ट करने के
लिए फ्रॉम ए वेल कुएं से और फ्लोर यानी गेहूं का फ्लोर पीसने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं. दिस हैपेंड एज फॉलोज व्हेन द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल रोटेट बाय द फोर्स ऑफ विंड ए शाफ्ट कनेक्टेड टू देम आल्सो रोटेट्स. यानी जब विंड मिल के जो ब्लेड्स होते हैं जब वो इस विंड की ताकत से विंड के फोर्स से जब वो चलते हैं रोटेट करते हैं तो उनके साथ जो शाफ्ट जुड़ा होता है तो वो भी रोटेट करता है. दिस रोटेटिंग शाफ्ट वाज मेड टू रन ए वाटर पंप टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल बाय सूटेबल मैकेनिज्म. ये रोटेटिंग शाफ्ट जो होता है इससे जो वाटर पंप होता था या होता है वो चलता था तो जिससे वो एक मुनासिब मैकेनिज्म से इस कुएं से पानी लिफ्ट करता था. इट कुड आल्सो टर्न द मिल स्टोन्स ऑफ ए फ्लोर मिल. और इसी तरह जो चक्की होती है चक्की में जो मिल स्टोन्स होते हैं इनको भी वो भी इससे घूमते हैं इस पानी से इस विंड से. द ट्रेडिशनल यूज ऑफ विंड मिल हैज नाउ बीन मॉडिफाइड बाय द इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड पावर्ड जनरेटर्स. दिस इज एक्सप्लेनड बिलो. यानी ट्रेडिशनल जो इस्तेमाल था इस विंड मिल का इसमें आप तब्दीली की गई है. इसमें आप टेक्नोलॉजी के जरिए से मतलब थोड़ा चेंज लाई गई है मॉडिफिकेशन लाई गई है. अब हम इस विंड मिल से जो है बिजली जनरेट करते हैं या पैदा करते हैं थ्रू विंड पावर जनरेटर्स. तो ये विंड जनरेटर क्या होता है तो उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह.